हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर प्रोफाइल फोटो बदली है और पीएम ने ट्विटर पर तिरंगे की फोटो लगा दी है। और इसके साथ ही हमने देखा है कि जगह जगह तिरंगा अभियान जो है वो किस तरह से नजर आ रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत यही अपील की जा रही है कि आजादी के अमृत महोत्सव में ये इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस होगा वो और खास होगा। देखिए, पीएम मोदी का ये ट्विटर प्रोफाइल आपको दिखा रहे हैं और इसमें उन्होंने ट्वीट भी किया है, इन द स्पिरिट ऑफ हर घर तिरंगा मूवमेंट लेट अस चेंज द डीपी ऑफ आवर सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड एक्सटेंड सपोर्ट टू दिस यूनिक एफर्ट व्हिच विल डीपन द बॉन्ड बिटवीन आवर बिलव्ड कंट्री एंड अस। देखिए, पीएम मोदी का ये ट्वीट है और उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि आइए हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बने और अपना जो डीपी है, डिस्प्ले पिक्चर है, और या फिर हमारा जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसमें अपनी तस्वीर को बदलकर हम तिरंगे की तस्वीर लगाएं और इस यूनिक एफर्ट में भागीदारी दें और उसको सपोर्ट करें, उस अभियान को आगे बढ़ाएं। देश के और हमारे बीच की ये जो मजबूती है उसको और भी ज्यादा एक अलग रूप दे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत हमने देखा, इस अभियान के तहत जगह जगह तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। देखिए, पीएम मोदी की प्रोफाइल जो है, खासतौर से ट्विटर बायो, उसमें आप देखेंगे अब उनकी जो तस्वीर आप नजर आ रही थी, अब उसमें तिरंगे की तस्वीर नजर आ रही है। आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस में के ठीक पहले पूरे देश में देशभक्ति का रंग लोगों के सर चढ़ता हुआ नजर आता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर तरफ लोग बेहद उत्साहित हैं। जम्मू कश्मीर में भी इस दौरान लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। श्रीनगर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस रैली को हरी झंडी दिखाई और इस रैली में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। श्रीनगर के जल लेक के किनारे इस रैली को आयोजित किया गया था। तिरंगा रैली के जरिए देश के गुमनाम नायकों को याद किया जा रहा है। बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर इस तरह की रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रीनगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई और इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चार तस्वीरें श्रीनगर में तिरंगा यात्रा, और हमने इसके पहले भी देखा था हर घर तिरंगा अभियान का किस तरह से स्वरूप नजर आया था। खासतौर से अगर हम पिछले स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो उसी तरह की तस्वीर आज भी, आज एलजी ने हरी झंडी दिखाकर इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। जम्मू कश्मीर का समाज गतिशील भी है, प्रगतिशील भी है और कर्मशील भी है। पिछले चार वर्षों में जम्मू कश्मीर के एक एक नागरिक ने जिस अद्भुत पुरुषार्थ का परिचय दिया है और भारत वर्ष को चिरकाल तक स्मरण रहेगा। आज मैं हर एक नागरिक, खासकर युवा पीढ़ी के भीतर देश के लिए जीने, राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देने की प्रार्थना करता हूं। उनके भीतर यह एहसास पैदा हुआ है कि उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया इतिहास लिखना है। मैं समझता हूं यही वह भावना है जो मातृभूमि का श्रृंगार करती है और तिरंगे का सम्मान भी करता है। आपने श्रीनगर की तो तस्वीर देखी, लेकिन हर घर तिरंगा अभियान की तस्वीर अहमदाबाद में कैसी नजर आती है, सीधे आपको दिखाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाकर इसे चढ़ गया और कहा, मैं फिर से आऊंगा और आपके सामने फिर से लड़ूंगा। ये जज्बा जो आजादी प्राप्त करने का था वो 70 साल तक, उसने ना जाति देखी, ना धर्म देखा, ना प्रदेश देखा, ना क्षेत्र देखा, ना उम्र देखी। एक और 17 साल का खुदीराम बोस है, जिसके जीवन की अभी तो शुरुआत होनी थी और फांसी के मंच पर चढ़ गया। और दूसरी ओर 80 पार किए हुए बाबू कुंवर सिंह है, जिन्होंने 1957 के संग्राम में अपने ही दाहिने हाथ से बायां हाथ काटकर गंगा में बहा दिया और लड़ते रहे और वीर गति को प्राप्त हुए। हमारे लिए ये जो हमारे पुरखे हैं, उन्होंने जो बलिदान दिया है वो सिर्फ बलिदान नहीं है, आने वाली पीढ़ी के लिए, हम सब के लिए एक संस्कार है, देश के लिए जीवन जीने का संस्कार है।
आज आजादी के 75 साल हो गए, हम देश के लिए मर तो नहीं सकते क्योंकि देश आजाद हो गया है, मगर देश के लिए जीने से हमें कोई नहीं रोक सकता। आजादी के अमृत महोत्सव में नरेंद्र मोदी जी ने समग्र देश के अंदर देशभक्ति का एक ज्वार खड़ा करने का काम किया। 15 अगस्त 2023 को आजादी का अमृत महोत्सव समाप्त हो, परंतु इसके साथ ही मोदी जी ने कहा है 15 अगस्त 2023 से लेकर 15 अगस्त 2047 तक आजादी का अमृत काल मनाएंगे और आजादी के 75 साल से 100 साल की यात्रा इस देश को हर क्षेत्र के लिए। तो आपने देखा गुजरात में भी हर घर तिरंगा अभियान जो है वो शुरू हुआ, वहीं आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत जो हुई उसकी झलक उत्तर प्रदेश में भी नजर आई। सीएम योगी ने हर घर तिरंगे का शुभारंभ किया गोरखपुर में। तिरंगा यात्रा में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं, देखिए किस तरह से पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करते हुए, क्योंकि गोरखपुर उनका निवास है, उनका स्थल है, उनका मठ है, वहां पर भी देखिए उन्होंने अब ये तिरंगा जो है वो लगवाया है। उनके साथ में वो तमाम लोग भी मौजूद रहे। हर घर तिरंगा अभियान की दरअसल एक मंशा भी यही है, उद्देश्य भी यही है कि हर एक व्यक्ति के मन में तिरंगे के प्रति उनका सम्मान और देशभक्ति की जो भावना है उसे और भी ज्यादा बढ़ाने की है। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने घर की छत पर वहां पर तिरंगा लहराया। और लोगों से भी यही अपील की जा रही है कि वो भी हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हों, अपने अपने घरों पर तिरंगा यहां पर जरूर बांधे, जरूर लहराएं। आजादी का अमृत महोत्सव और 76वां स्वतंत्रता दिवस, उसकी तस्वीर इसी तरह की नजर आने वाली है। जम्मू कश्मीर हो या फिर गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश का ये गोरखपुर, ये देखिए तिरंगा जो है हर जगह नजर आ रहा है। दिल्ली में भी तिरंगा रैली निकाली गई, मेरी माटी मेरा देश तिरंगा रैली में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस मौके पर एक दौड़ का आयोजन किया गया जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। यही उत्साह आने वाले भारत के निर्माण की नींव रखेगा, रख रहा है, और प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर हम सब लोग देश के नव निर्माण की ओर लगे हुए हैं। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अमृत काल शुरू हो रहा है और अमृत काल में भारत को उन बुलंदियों तक लेकर चलना है जो कि भारत को उनके मुकाम तक पहुंचाए, और वो बुलंदियां तभी। आप मीनाक्षी लेखी को सुन रहे थे। हालांकि ये दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश के तहत ये दौड़ का आयोजन किया गया था, उद्देश्य था हर घर तिरंगा अभियान का। देखिए चाहे दिल्ली हो या फिर श्रीनगर, देखिए किस तरह से तिरंगे के साथ में बाइक रैली हुई, जगह जगह अलग अलग आयोजन किए गए। राजस्थान में भी बाइक रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और इस बाइक रैली में देखिए सिर्फ और सिर्फ तिरंगे की तस्वीरें नजर आ रही हैं। तो इसी तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आगे भी जारी हैं। रुकने एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के